एफर्ट है कि कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट एक्शन प्लान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लिनिकल मैनेजमेंट पेशेंट का ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए। और इसी के तहत ही इससे पहले भी एम्स में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। एक और सीरीज ऑफ वेबिनार्स जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए इस वीक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के माननीय मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर कलेक्टिव अपने रिजॉल्व को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोगों को इसमें काम करना है। अब तक का अगर डेटा देखें तो 642 लोग, 642 पीपल दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। कल 1035 टोटल इंक्रीज्ड केस में नोट किया गया है और जिसके साथ ही टोटल केसेस की संख्या 7447 हो चुकी है। येस्टरडे 40 डेथ्स वर रिकॉर्डेड और जिसको मिलाएं तो टोटल 239 डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्टडी क्या वह आईसीएमआर की स्टडी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आईसीएमआर की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन उस स्टडी से संबंधित वह स्टडी नहीं है मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ, केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। वो एनालिसिस, शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इम्प्लीमेंट किया था जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया। 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। अगर हम देखें कि हम कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर नहीं करते तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड एनालिसिस है, जिसको कि मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये कोई आईसीएमआर की स्टडी नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें, तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूँ कि जो मेजर एक्शन है वो फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्रंटलाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइपर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया, तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें।